सरगुजा के उदयपुर इलाके में कोल परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई का काम पूरा कर लिया गया है, जिसके साथ ही कल कटाई के दौरान बीजेपी नेताओं ने परियोजना का विरोध किया था और उसे विरोध में स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निवास का घेराव का कार्यक्रम था। इस दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि वह बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में वन औषधि, वन संपदा और जंगली जानवरों के लिए चर्चित हसदेव अरणे का जंगल कोल परियोजना के लिए काटा जा रहा है, लिहाजा प्रदेश में विपक्षी दल बीजेपी विरोध का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं कोल परियोजना स्थल में विरोध के बाद बीजेपी के नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के स्थानीय निवास का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी नेता और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को कांग्रेस के बड़े नेता और औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक कुछ नसीहत देते सुने जा रहे हैं। वायरल वीडियो में बालकृष्ण पाठक कह रहे हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं किसी के निजी पारिवारिक निवास में इस तरह से काम करना, मेरी प्राइवेसी में कोई आता है तो मैं गोली मार दूंगा। जरा सुनिए आप इस वीडियो को। ग्राम सभा हुई थी और फर्जी ग्राम सभा के आधार पे उन नए माइंस के क्षेत्र में अनुमति की पहल की गई थी, ये पहली आपत्ति थी। और अब मोदी जी ने जब वहां पर माइनिंग के लिए अनुमति दी है तो गांव वालों का कहना है कि यहाँ हम कटाई नहीं होने देंगे, तो इसको उस लिहाज से देखना। बर्बादी क्यों आती है, इस तरह से काम करना मेरे को हथियार दिया गया तो मैं गोली मार दिया था। मेरे लिए हथियार इसी के पास, मैंने सूरत किया था। मेरे प्राइवेसी में कोई घुसेगा तो मैं गोली मार दिया।